जी, सुल्तानपुर में प्रभारी मंत्री बनने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरीके का आज का कार्यक्रम है आपका? देखिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम सुल्तानपुर की तरफ से, अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को देते हैं। और उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे देश में स्वच्छता को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बाद बड़े पैमाने पर इस अभियान को अगर कोई शुरू किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो उन्होंने इसको अपने जन्मदिन के साथ जोड़ करके पूरे देश में साफ सफाई को बल दिया है और इसको 140 करोड़ लोगों से अपील किया है कि भाई सब लोग इसमें योगदान दें। और साफ सफाई रहेगी तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी तो हम खुशहाल होंगे, तो जब हम खुशहाल होंगे तो प्रदेश खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। तो इसी उद्देश्य से आज हम लोग इधर आए। महात्मा गांधी के सपने को स्वच्छता के प्रधानमंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं, वहीं जिले में महात्मा गांधी की प्रतिमा को कुछ लोगों ने तोड़ दिया है। देखिए, अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं, और ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं कि जिस महापुरुष ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए क्या नहीं झेला लोगों ने, बड़ी कुर्बानी के बाद तब हम लोग आज़ाद हुए हैं। ऐसे करने वाले लोग मानसिकता दूषित हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मंगेश यादव का एक पुलिस मुठभेड़ में जान चली गई, एसटीएफ ने एक डकैत कह करके उससे मुठभेड़ की थी, उसको लेकर के अखिलेश यादव, राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों नेता उस घटना में, शैलेश राजभर एक सिपाही गोली लगी है, हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसकी तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। 67 साल के अंदर अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अगर वो मंगेश यादव को जाति से जोड़ रहे हैं तो 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण, 18 राजपूत, 17 गुजर और जाट, 24 अति पिछड़ा और शेष अन्य 26, तो इन लोगों के विषय में क्यों नहीं चर्चा करते, खाली यादव की चर्चा क्यों करते हैं? ये जातिवाद को बढ़ावा देने का काम, अपराधियों को जाति से जोड़ना जाति को बदनाम करने के बराबर होता है। आपकी सरकार में पीडीए के लोग ज़्यादा सुरक्षित हैं या अखिलेश की? एनडीए गठबंधन हमारी सरकार में, आप उठा के देखिए कि अभी गणपति पूजा हुआ, आगे विजयदशमी आ रही है, ऐसे मौक़ों पर प्रदेश में दंगे होते थे, कांग्रेस की सरकार थी, सपा की सरकारों में, लेकिन आज योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार में आज दंगे नहीं हो रहे हैं, ना कर्फ्यू लग रहे हैं। इसे तो राहत सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों को है। और आज प्रदेश में कानून का राज है और कानून के राज में कम से कम थाने पर जाके लोग FIR अपनी करा ले रहे हैं, नहीं हो रहा है तो दबाव बना के हो जा रहा है, लेकिन उन लोगों की सरकार में FIR तक नहीं होते थे। अखिलेश यादव ने अभी एक इंटरव्यू के दौरान कहा उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने, डबल इंजन की तकरार है, इस पे क्या? ललितपुर में, ललितपुर की घटना आप बताइए, वही अखिलेश जी जो मंगेश यादव पर सवाल उठाते हैं पुलिस पर, वही समाजवादी पार्टी वहाँ जिन्होंने अपराध किया उसके साथ खड़े हैं कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम कर किया है। तो दो मुहा सांप की तरह ये क्यों बोल रहे हैं? आशा है कि आपके नेतृत्व में सुल्तानपुर और तरक्की करेगा। कोशिश करेंगे। धन्यवाद।